हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं स्वाति आपके साथ, और चलिए आज वीडियो करने वाले हम। तो वीडियो इस पे है कब्र। कब्र आपको पता ही होगा क्या होती है, तो चलिए आज कब्र पे वीडियो करते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो कब्र है वो किसने खोदी थी, और सबसे पहले कब्र में मुर्दा किसने दफन किया था, और ये कब्र में दफन होने वाला मुर्दा है वो सबसे पहला आदमी था, ऐसा इंसान था जो दुनिया में पहली बार मरा था। मतलब पहला ऐसा इंसान था जो दुनिया में पहली बार मरने वाला जो इंसान है उसको कब्र में दफन किया था उनके भाई ने। तो देखते हैं ये कब्र खोदने की आइडिया जो है वो किसकी वजह से आई थी, और क्या है इसके पीछे का राज, तो आज हम जानने वाले हैं। मुझे भी जानना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में इस पर रिएक्शन देंगे। तो चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल और हाबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थीं। काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान था कि भाई की लाश का क्या करूं। चुनाचे कई दिनों तक वो लाश को अपनी पीठ पर लादे फेरा। एक दिन इसने देखा कि दो कौए आपस में लड़ रहे हैं और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौए ने अपनी चोंच और पंजे से जमीन कुरेदकर एक गड्ढा खोदा और इसमें मरे हुए कौए को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये मंजर देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को जमीन में दफन करना चाहिए। चुनाचे उसने कब्र खोदकर उसमें भाई की लाश को दफन कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुछ इस तरह बयान फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, तो अल्लाह ने एक कौआ भेजा जमीन को रेतता कि उसे दिखाए किस तरह अपने भाई की लाश छुपाए। बोला, हाय खराबी, मैं इस कौए जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाता तो पछताता रह गया। दोस्तों, इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान इल्म सीखने में छोटे से छोटे उस्ताद का, यहाँ तक कि कौए का भी मोहताज है। नाज़रीन इकराम, एक बात और मालूम हुई कि इंसान पर उसकी दुनियावी जिंदगी की राह में जब कोई मुश्किल दरपेश हो जाती है तो अल्लाह ताला ऐसा रहीम व करीम है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ तक कि चरिंदों और परिंदों के जरिए भी मुश्किलात हल करने की राह दिखा देता है। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इन्होंने जो कहा कि सबसे पहले जो दो आदमी ने जन्म लिया था धरती पे, वो थे काबिल और हाबिल। तो काबिल और हाबिल ये दोनों भाई भाई थे, और काबिल ने हाबिल को मतलब कत्ल कर दिया था हाबिल का। तो उनको ये पता नहीं चल रहा था कि इस लाश का क्या करें, तो वो कंधे पे लेके उसको घूम रहे थे पूरी जगह। तो अल्लाह को लगा कि मतलब अल्लाह ने उनको संदेशा ऐसा भेजा कि वो कौवे के जरिए भेजा, और कौवे ने दूसरे कौवे को मारा, और दूसरे कौवे ने मतलब जिस कौवे ने मारा था उस कौवे ने कब्र जैसा खोदा, और उसमें जो मरा हुआ मुर्दा है कौवे का उसे डाल दिया। तो तब काबिल को पता चला कि ऐसा होता है, तो तब से ये कब्र खोदनी शुरू हो गई और कब्र में मुर्दे दफनाने शुरू हो गए हैं। तो दफन करने की ये जो प्रक्रिया है वो तब से शुरू हुई है, और हम इतने मतलब कौवे के भी मोहताज है कि उसे हमें सिखाना पड़ा, और तो इसलिए ये कब्र खोदने की प्रोसेस तब से चालू हो गई है। और ये आइडिया हमें कौवे की वजह से आया है, और कौवा भी अल्लाह का ही भेजा हुआ था, क्योंकि परिंदा क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता कि कब्र भी खोदनी होती है और इसने मुर्दा भी दफन करना होता है, क्योंकि जो रिसाइकल है वर्ल्ड की, तो वो चलनी तो प्रोसेस तो चालू हो गई थी तब से। तो ये मरना जीना ये चालू ही रहता, तो इस वजह से दफनाने की प्रोसेस तो अब होनी वाली थी, शुरू ही हुई थी तब से, क्योंकि तब जीवन शुरू हुआ था हमारा।
और जब ये प्रक्रिया प्रोसेस रिसाइकल ना हो तो इतने पूरी धरती इतनी मतलब पूरी फुल हो जाएंगी कि रहने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। तो मरना भी ज़रूरी है, जीना भी ज़रूरी है, और मरे हुए मुर्दे को दफनाना भी ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस अच्छा है कि हमें अल्लाह को ही सिखानी पड़ी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं नई हूँ और मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है। तो मुझे जो पता नहीं है वो आप बता देना। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो किस पे बता मतलब करें ये मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।